सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है वृत्त की रचना। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग समझेंगे तल आकृतियां और ठोस आकार को। फिर क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे चित्रालेख की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। बिहार के चंपारण जिले में किसानों से जोर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। मजदूर किसान नीले अत्याचार से परेशान थे। वे एक मसीहा की तलाश में थे जो उन्हें शोषण जोर जबरदस्ती की पीड़ा से मुक्ति दिलाए। 9 जनवरी 1915 का दिन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। वे 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। चंपारण के किसान नेता
राजकुमार शुक्ल भी अधिवेशन में आए हुए थे। वे किसी बड़े नेता को चंपारण में लाना चाहते थे और उस समय बाल गंगाधर तिलक का बड़ा नाम था। राजकुमार शुक्ल सबसे पहले तिलक के पास गए। उन्होंने तिलक से चंपारण चलने की विनती की, पर तिलक जी ने कहा, मैं अभी देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर शुक्ल जी मदन मोहन मालवीय से मिले और उन्होंने कहा, हम सभी देश की आजादी के संघर्ष में लगे, इससे चंपारण की समस्या का भी हल निकलेगा। निराश होकर वो गांधी जी के पास गए। उन्होंने चंपारण की समस्या बतलानी चाही, परंतु उन्हें अवसर ही नहीं मिला। फिर शुक्ल जी ब्रज किशोर बाबू के साथ गांधी जी से मिले, पर गांधी जी ने कहा, बिना देखे और पूरी बात जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। राजकुमार शुक्ल की लगातार कोशिश के बाद गांधी जी ने एक दिन चंपारण आने का वादा किया। लखनऊ अधिवेशन के बाद गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी लगे रहे। गांधी जी गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने कानपुर गए थे और वहां शुक्ल जी गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि यहां से चंपारण नजदीक है, कृपया चलिए। गांधी जी ने उन्हें अपना कलकत्ता का कार्यक्रम बताया और उन्होंने कलकत्ता से सीधे चंपारण आने की बात कही। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो उन्होंने काम किस तरीके से शुरू किया। आज हम सीखेंगे वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। हमारे चारों ओर हम कई वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार वृत्त यानी सर्कल जैसा होता है, जैसे घड़ी, पंखा, पहिया इत्यादि। कई बार हमें इनका आकार कागज पर बनाना आवश्यक हो जाता है, जैसे अगर हमें कागज की घड़ी बनानी हो तो हमें कागज पर वृत्त बनाना आवश्यक होता है। वैसे तो हम कुछ साधन जैसे चूड़ी के उपयोग से वृत्त आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इससे हम वांछित त्रिज्या यानी रेडियस वाला वृत्त नहीं बना सकते। हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के साधनों के उपयोग से वांछित त्रिज्या वाला वृत्त जरूर बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में त्रिज्या की लंबाई ज्ञात होने पर वृत्त कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। मान लीजिए हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। यहाँ वृत्त की त्रिज्या हमें बताती है कि केंद्र यानी सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या के माप से वृत्त बनाने के लिए हमें एक कागज, दो पेंसिल, एक रूलर और एक प्रकार यानी कंपास इत्यादि वस्तुएं आवश्यक हैं। सबसे पहले हम एक नुकीली पेंसिल को प्रकार में रख लेंगे। अब चलिए निम्नलिखित विधि से वृत्त बनाएं। पहला चरण, सबसे पहले हम प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और प्रकार को खोलते हुए पेंसिल का सिरा 2.5 सेंटीमीटर वाले चिन्ह पर रखेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम कागज के लगभग मध्य में एक बिंदु बनाएंगे, इसे वृत्त का केंद्र मानकर सी नाम देंगे। तीसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र सी पर रखेंगे। हम पाएंगे कि पेंसिल का सिरा भी कागज के एक बिंदु पर आ गया है। ध्यान रहे, प्रकार में ली गई दूरी में बदलाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वृत्त गलत बन जाएगा। चौथा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त प्राप्त होगा। अब आप बताइए कि अगर आपको एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास यानी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो आप कैसे बनाएंगे। वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होता हुआ वृत्त के परिसीमा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि इसकी लंबाई त्रिज्या के दो गुना होती है। हम कह सकते हैं कि त्रिज्या की लंबाई व्यास की लंबाई से आधा होती है। चूंकि हमें वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या की माप आवश्यक है, इसलिए हम व्यास को 2 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें त्रिज्या की माप ज्ञात होगी 5/2 = 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से
जब भी वृत्त बनाने का सवाल हो उसमें यह जरूर देखें कि माप त्रिज्या की दी है या व्यास की। अब आप त्रिज्या की लंबाई ज्ञात होने पर वृत्त जरूर बना पाएंगे। आज हमने सीखा वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त खींचने से संबंधित उदाहरण। दो दशमलव आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ए हो। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है जो हमें बताती है कि केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी 2.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के माप से वृत्त बनाने के लिए हमें एक कागज, दो पेंसिल, एक रूलर और एक परकार इत्यादि वस्तुएं आवश्यक है। सबसे पहले हम एक नुकीली पेंसिल को परकार में रख लेंगे। अब चलिए निम्न विधि से वृत्त खींचें। पहला चरण। सबसे पहले हम परकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और इसे 2.8 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम कागज पर एक बिंदु बनाएंगे। इसे वृत्त का केंद्र यानी सेंटर मानकर ए नाम देंगे। तीसरा चरण, अब हम परकार के नुकीले सिरे को केंद्र ए पर रखेंगे। चौथा चरण, अब हम परकार का नुकीला सिरा केंद्र पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त प्राप्त होगा जिसका केंद्र ए है। अगला उदाहरण, पिछले उदाहरण में बने वृत्त के साथ क्या हम केंद्र बी का एक और वृत्त बना सकते हैं जिससे कि दोनों वृत्तों के केंद्र ए और बी एक दूसरे की परिसीमा यानी बाउंड्री पर आए? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? वीडियो रोककर सोचिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। मान लीजिए हम दूसरे वृत्त का केंद्र पहले वृत्त की परिसीमा पर लेते हैं और इसकी त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या जितनी यानी कि 2.8 सेंटीमीटर ही लेते हैं तो पहले वृत्त का केंद्र भी दूसरे वृत्त की परिसीमा पर लाया जा सकता है। चलिए इस समझ के आधार पर वृत्त बनाकर देखें। पहला चरण, सबसे पहले हम परकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और इसे 2.8 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम पहले वृत्त के परिसीमा पर एक बिंदु बनाएंगे। इसे दूसरे वृत्त का केंद्र मानकर बी नाम देंगे। ध्यान रहे, हम पहले वृत्त पर किसी भी स्थान पर बिंदु बी ले सकते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि केंद्र ए से वृत्त की परिसीमा पर लिया गया कोई भी बिंदु समान दूरी पर होगा। तीसरा चरण, अब हम परकार के नुकीले सिरे को केंद्र बी पर रखेंगे। चौथा चरण, अब हम परकार का नुकीला सिरा केंद्र बी पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और केंद्र बी वाला दूसरा वृत्त प्राप्त होगा। हम यह भी देखते हैं कि इस वृत्त की परिसीमा पर पहले वृत्त का केंद्र भी आ रहा है। आज हमने देखे वृत्त खींचने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त खींचने से संबंधित साधारण गलतियां। साधारण गलती एक, अगर बच्चों को कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस का वृत्त बनाएं, तो वृत्त बनाने के लिए बच्चे परकार को खोलकर दी गई दूरी लेते हैं। लेकिन दूरी मापते समय वे परकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य चिन्ह पर न रखकर एक इस चिन्ह पर रखते हैं। इससे परकार में त्रिज्या का माप 1 सेंटीमीटर कम लिया जाता है। बच्चे उसी माप के साथ वृत्त बनाते हैं, लेकिन इस गलती के कारण खींचा गया वृत्त गलत होता है। ध्यान रहे, परकार में माप लेते समय नुकीला सिरा शून्य पर रखना आवश्यक है। यदि रूलर टूटी हो या शून्य चिन्ह ठीक प्रकार से दिखाई न दे रहा हो तो हम नुकीला सिरा किसी दूसरे चिन्ह पर रख सकते हैं। लेकिन
अब यह आवश्यक हो जाता है कि इस चिन्ह से दी गई दूरी ठीक प्रकार से मापी जाए, यानी कि अगर हम नुकीला सिरा एक पर रखते हैं और हमें 2 सेंटीमीटर के लिए परकार को खोलना है, तो यह आवश्यक होगा कि पेंसिल की नोक 3 इस चिन्ह पर आए। अगर हम यह 2 इस चिन्ह पर लेते हैं तो यह गलत होगा। साधारण गलती 2, कुछ बच्चे परकार में पेंसिल ठीक प्रकार से नहीं रखते। ध्यान रहे, परकार में पेंसिल रखते समय किसी समतल सतह पर परकार को लंबवत रखकर पेंसिल और परकार के सिरे एक रेखा में रहे, यह ध्यान रखना आवश्यक है। साधारण गलती 3, कुछ बच्चे वृत्त खींचते समय परकार में दिया गया माप लेते हैं, लेकिन वृत्त खींचने की विधि करते हुए इसे समान रखने पर ध्यान नहीं देते। ध्यान रहे, अगर परकार में ली गई दूरी बदलती है तो हमें सही वृत्त नहीं प्राप्त होगा। अक्सर परकार घुमाते समय यह दूरी बदल जाती है, इससे हमें वृत्त प्राप्त नहीं होता। परकार में ली गई दूरी को समान रखकर ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण गलती 4, कुछ बच्चे परकार एक ही बार में घुमाते हुए वृत्त नहीं खींच पाते, उन्हें परकार को बार बार घुमाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में परकार में ली गई दूरी बदलने की संभावना बढ़ जाती है और इससे वृत्त गलत खींचे जाने की गलती होती है। यह बात जरूर है कि वृत्त खींचने का अभ्यास करके ऐसी गलती को कम किया जा सकता है। साधारण गलती 5, कई बार उदाहरण में वृत्त निकालने के लिए व्यास का माप दिया जाता है, लेकिन बच्चे दी गई जानकारी को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते। वे दिया माप एक त्रिज्या का माप है यह समझकर वृत्त खींचते हैं और गलत वृत्त प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रहे, अगर व्यास का माप दिया हो तो हमें उस माप को 2 से विभाजित कर त्रिज्या का माप ज्ञात करना आवश्यक होता है, इससे हमें सही वृत्त प्राप्त होता है। तो आज हमने देखी वृत्त खींचने से संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज हम सीखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। ज्यामिति के विभिन्न आकारों के बारे में सीखते हुए हमने वर्ग, आयत जैसे आकारों के बारे में पढ़ा। ये सभी आकार सपाट अर्थात फ्लैट है, यानी कि वे एक ही तल में स्थित है, इसलिए इन्हें हम समतल आकार कहते हैं। किसी भी समतल आकार की लंबाई और चौड़ाई जैसे 2 मापन होते हैं, इसलिए इन्हें हम
द्विविमीय आकार यानी टू डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं। इन्हें संक्षेप में 2D भी कहा जाता है। हम ज्यामिति के इन आकारों की लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। क्या यह आकार भी द्विविमीय यानी 2D है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस आकार की लंबाई और चौड़ाई तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हम इसे एक बड़े आयत में इस प्रकार रख सकते हैं कि इसका पूरा आकार आयत के अंदर हो। चूंकि आयत द्विविमीय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आकार भी द्विविमीय है। इस तरह से यह आवश्यक नहीं कि द्विविमीय आकार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति यानी बहुभुज यानी पॉलीगॉन हो। यह किसी भी आकार का हो सकता है जो एक ही तल में स्थित हो। हम कह सकते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वृत्त यानी सर्कल, पंचभुज यानी पेंटागॉन इत्यादि भी द्विविमीय आकार है। अब इस आकार को देखिए। यह एक घन यानी क्यूब है। क्या यह द्विविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। हम देखते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे 3 मापन हैं। 3 मापन या 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशंस होने के कारण यह आकार एक ही तल में स्थित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग तलों में स्थान घेर रहा है। ऐसे आकार जिनकी 3 विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी 3-डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। इन्हें संक्षेप में 3D आकार भी बोला जाता है। हमने पिछली कक्षा में कुछ त्रिविमीय आकारों के बारे में पढ़ा, क्या आपको याद है? वीडियो रोककर याद कीजिए। उदाहरण के तौर पर कुछ आकार इस प्रकार है। यह एक घन यानी क्यूब है। पासा, रूबिक क्यूब, आइस क्यूब, इन सभी का आकार एक घन जैसा है। यह एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। माचिस की डिबिया, मिठाई का डब्बा, किताब जैसी वस्तुएं घनाभ जैसी होती है। यह एक पिरामिड है। आपने चित्रों में मिस्र के पिरामिड देखे ही होंगे। यह एक प्रिज्म है। आपने कांच की इस प्रकार की वस्तु देखी होगी जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह एक प्रिज्म है। यह एक गोला यानी स्फीयर है। लड्डू, गेंद, फुटबॉल इत्यादि जैसी वस्तुएं गोले के आकार की है। यह एक बेलन यानी सिलेंडर है। आपने इस आकार को पेन, बोतल, सेल बैटरी आदि के आकारों में देखा होगा। यह एक शंकु यानी कोन है। आपने कई बार आइसक्रीम शंकु के आकार में खाया होगा। जन्मदिन पर आपने शंकु के आकार की टोपी भी पहनी होगी। क्या आप और वस्तुएं याद कर सकते हैं जिनमें आपने इन आकारों को देखा है? आप कुछ और वस्तुओं के नाम जरूर पता कीजिए। अब इन आकारों को देखिए। क्या ये भी त्रिविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी वस्तुएं एक से अधिक तलों में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। अपने आसपास देखकर पता कीजिए कि कौन सी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। तो आज हमने सीखा तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित उदाहरण। निम्न दर्शाए गए आकारों को उनकी विमाओं यानी डायमेंशंस के रूप में वर्गीकृत कीजिए
और आकारों की पहचान कीजिए। यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी आकृतियों में दर्शाए गए आकार स्थान घेरते प्रतीत हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इनमें तीन विमाएं हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी थ्री डायमेंशनल शेप या 3D शेप है। लेकिन चौथी, छठी और सातवीं आकृतियों में दर्शाए गए आकार एक ही तल में स्थित है। इनमें लंबाई या चौड़ाई जैसी दो विमाएं तो है, लेकिन तीसरी विमा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आकार समतल आकार या द्विविमीय आकार यानी टू डायमेंशनल शेप या 2D शेप है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है। दर्शाई गई आकृति ने कुछ स्थान घेरा है। हम कह सकते हैं कि इस आकार की तीन विमाएं यानी तीन मापन है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए दर्शाई गई आकृति एक ठोस आकार या त्रिविमीय आकार है। यह आकृति विभिन्न सपाट भागों से बनी है, जिन्हें हम द्विविमीय आकार यानी 2D शेप्स कहते हैं। दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है, यह जानने के लिए यहाँ हमें इन सभी 2D आकारों की गिनती करनी होगी। हम देखते हैं कि यह आकृति एक आयताकार 2D आकार से तथा चार त्रिभुजाकार 2D आकारों से बनी है, यानी कि यह आकृति कुल 1^4 = 5 द्विविमीय आकारों से यानी 2D शेप्स से बनी है। तो आज हमने देखे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा एक, दर्शाए गए आकार के सभी कोणों का माप 90 डिग्री है। आकार की पहचान कीजिए। दर्शाए आकार की कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी कि इसने कुछ स्थान घेरा है। इसलिए दर्शाया हुआ आकार एक त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप है। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए गए त्रिविमीय आकार में सभी फलक यानी फेसेस चार भुजाओं से बने हैं, यानी कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल है। इसलिए वे सोचते हैं कि यह एक घन यानी क्यूब है। बच्चों का ध्यान यहाँ जाता ही नहीं कि इस आकार में सभी फलक वर्गाकार नहीं हैं। वे ऑप्शन एक जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। दिए गए आकार में सभी फलक वर्गाकार नहीं हैं, इसलिए यह आकार घन नहीं है, लेकिन इसके सभी फलक आयताकार अवश्य है। एक त्रिविमीय आकार जिसके सभी फलक आयताकार हो घनाप कहलाता है, जो कि दूसरा विकल्प है, यानी कि विकल्प दो सही जवाब है। मिथ्या धारणा दो, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति द्विविमीय आकार है। कुछ बच्चों की समझ होती है कि सिर्फ ज्यामिति के आकार जैसे आयत और वृत्त ही द्विविमीय आकार होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि आकृति तीन एक द्विविमीय आकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, सिर्फ वही द्विविमीय आकार होते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ आयत की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है,
इसलिए वे समझते हैं कि सिर्फ आकृति एक ही द्विविमीय आकार है। इस समझ से वे ऑप्शन दो जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। यहाँ प्रत्येक आकृति एक ही तल में स्थित है। इनमें से कोई भी आकृति एक से अधिक तलों में न तो कोई स्थान घेर रही है, न ही इनकी कोई तीसरी विमा है। इसलिए ये सभी आकृतियां द्विविमीय आकार है। इसलिए ऑप्शन तीन सही जवाब है। गलती एक, अपने आसपास की वस्तुओं के आकार की गलत पहचान करना। कुछ बच्चों से यदि पूछा जाए कि माचिस की डिबिया, दरवाजा और गेंद कौन से आकार के हैं, तो वे सोचते हैं कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से आकारों की पहचान कराते समय उनसे यह कहा जाता है कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ध्यान रहे, माचिस की डिबिया और दरवाजे की तीन विमाएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि माचिस की डिबिया और दरवाजे की तीन विमाएं होती है, इसलिए यह एक त्रिविमीय आकार है जिसे हम घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। अगर हम गेंद की बात करें तो हम देखते हैं कि यह एक ही तल में स्थित है, इसलिए यह भी एक त्रिविमीय आकार ही है जिसे हम गोला यानी स्फीयर कहते हैं। गलती दो, आकार की पहचान करते समय परिभाषा का प्रयोग न करना। यदि कुछ बच्चों को एक आयत दिखाया जाए और आयत की परिभाषा भी बताई जाए, तो कई बार वे सिर्फ आकार का ध्यान रखते हैं और परिभाषा नजरअंदाज कर देते हैं। अब यदि बच्चों को एक ऐसा आयत दिखाया जाए जिसका अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन उनके समझ के आयत से भिन्न है, तो वे इस आकार की पहचान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आकार की पहचान परिभाषा के आधार पर नहीं करते। उनकी समझ के अनुसार ऐसा आकार ही आयत होता है। आयत की परिभाषा हमें बताती है कि एक ऐसा आकार जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तथा सभी कोण समकोण हो, वह एक आयत होता है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह एक आयत ही है। इसलिए किसी भी आकार की पहचान करने के लिए उसकी परिभाषा पता होना जरूरी है। तो आज हमने देखी तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम चित्रालेख के बारे में सीखेंगे। आपने समाचार पत्रों या टीवी में आंकड़ों यानी डेटा को किसी चित्र, वस्तु या वस्तु के भाग के रूप में निरूपित किया हुआ अवश्य देखा होगा। आंकड़ों का यह निरूपण एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे इस चित्रालेख में भारत में 3 वर्षों में पेट्रोल की खपत दर्शाई गई है। इसी तरह भारत में वर्ष 2017-18 में फसलों का अनुमानित यानी एस्टिमेटेड उत्पादन कैसा रहा, इसकी जानकारी इस चित्रालेख से मिलती है। इसी तरह यह दर्शाया गया चित्रालेख किसी गांव में टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या प्रदर्शित करता है। यह समाचार के चैनल देखने वालों की संख्या 3 चित्रों से निरूपित की गई है। चूंकि यह एक चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव में समाचार देखने वालों की संख्या 3 × 100 दर्शक बराबर 300 दर्शक है। मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या निरूपित करने के लिए 5 पूर्ण चित्र बनाए गए हैं और 1 आधा चित्र बनाया गया है। चूंकि एक पूर्ण चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम आधे चित्र का मान 100 का आधा यानी 50 दर्शक ले सकते हैं। इस तरह से मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या होगी 5 × 100 दर्शक धन 50 दर्शक बराबर 550 दर्शक। इस तरह क्या आप बता पाएंगे कि विज्ञान के चैनल देखने वालों की संख्या क्या होगी? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं, यह होगी 4×100 दर्शक बराबर 400 दर्शक। इसी तरह खेल के चैनल देखने वालों की संख्या है 450 दर्शक। चित्रालेख से केवल देखकर ही सूचना यानी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ सबसे अधिक चित्र मनोरंजन की पंक्ति में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी चैनलों में मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान और खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर आधे चित्र से निरूपित होता है, जो 50 दर्शकों को निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों की कुल संख्या क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, यहाँ मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों के लिए कुल 9 पूर्ण चित्र और 2 आधे चित्र यानी कुल 10 चित्र बनाए गए हैं। इस तरह से इन चैनलों को देखने वालों की कुल संख्या होगी 10×100 दर्शक बराबर 1000 दर्शक। इस तरह आप दर्शाए गए सवालों को स्वयं हल कीजिए। सबसे कम कौन सा चैनल देखा जाता है, कारण दीजिए। मनोरंजन के चैनल तथा खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर क्या है? गांव में कुल कितने दर्शक हैं? अब आपको चित्रालेख की समझ बन गई होगी। आज हमने चित्रालेख के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। आज हम चित्रालेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रवि के परिवार का विभिन्न मदों में होने वाला मासिक व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, इसे चित्रालेख के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए दी गई जानकारी से चित्रालेख खींचे। यहाँ हमें एक संकेत यानी सिंबल का उचित मान लेना होगा ताकि हम सभी संख्याओं को सही रूप से दर्शा पाए। यदि हम एक संकेत का मान 500 लेते हैं तो इससे हमें सभी संख्याओं को दर्शाने में आसानी होगी। मकान का किराया 3500 रुपए है। चूंकि एक चित्र का मान 500 है, इसलिए 3500 दर्शाने के लिए हमें 3500 विभाजित 500 बराबर 7 चित्र बनाने होंगे, जो हम इस प्रकार बनाएंगे। इसी तरह भोजन पर 3000 रुपए व्यय किया गया है, इसलिए इसे हम 3000 विभाजित 500 बराबर 6 चित्र बनाकर निरूपित करेंगे। क्या अब आप बता पाएंगे कि बिजली पर हुए व्यय को कैसे निरूपित किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें 1250 विभाजित 500 बराबर 2/1/2 चित्र बनाने होंगे। इसी तरह शिक्षा के लिए हमें 2500 विभाजित 500 बराबर 5 चित्र तथा अन्य के लिए हमें 1500 विभाजित 500 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। अगला उदाहरण, किसी स्कूल के छात्रों को अपने मनपसंद क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख के रूप में निरूपित किया गया। चित्रालेख को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। चित्रालेख में एक चित्र का मान क्या है? चित्रालेख में एक चित्र का मान 5 छात्र है। यदि एक चित्र का मान 10 रखा जाए तो उन छात्रों की संख्या जिन्हें संगीत सुनना पसंद है कैसे निरूपित की जाएगी? चूंकि चित्र का मान 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत 6×5 बराबर 30 छात्रों को पसंद है। यदि एक चित्र का मान 10 लिया जाए तो हमें 30 विभाजित 10 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। छात्रों को कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक पसंद है? चित्रालेख देखकर हमें ज्ञात होता है कि छात्रों को टीवी देखना सबसे अधिक पसंद है। यदि उन छात्रों की संख्या को जोड़ा जाए जिन्हें घूमना पसंद है और जिन्हें खेलना पसंद है, तो यह योग क्या होगा? यह घूमने जाना 4×5 छात्र बराबर 20 छात्रों को पसंद है, जबकि खेलना 6×5 छात्र बराबर 30 छात्रों को पसंद है। इनका योग
20 छात्र धन 30 छात्र बराबर 50 छात्र है। अब आप दिए गए चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं ज्ञात कीजिए। इस तरह आप ज्ञात कीजिए कि आपकी कक्षा के छात्रों का जन्मदिन कौन से महीनों में आता है और प्राप्त जानकारी को चित्रालेख में निरूपित कीजिए। तो आज हमने चित्रालेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रोहन। हाय, मैं हूं स्मृति। एंड आज आपको लग रहा होगा कि हमारी एनर्जी इतनी लो क्यों है। यार आज एक्चुअली मूड थोड़ा अपसेट है क्योंकि आज हमारे शो का लास्ट एपिसोड है। कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है यार, अभी तो बस शुरू किया था हमने शो। पर अगर पीछे मुड़कर देखें स्मृति, तो हमने 12 एपिसोड कर लिए। ये हमारा 13th एपिसोड है एंड पिछले 12 एपिसोड में हमने कितने सारे उद्यमियों की रोमांचक कहानियां और प्रेरणादायक कहानियां देखी। कोई नहीं, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज के हमारे शो के लास्ट एपिसोड में लास्ट रोमांचक कहानी है अंजनीज प्लेस ऑफ लव थिंग्स फॉर एवरीवन, यानी अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक IAS ऑफिसर ने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया और जो वो करना चाहते थे वो 35 साल के बाद भी पूरा किया। तो चलिए देखते हैं कहानी। अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह, कहानी अनोखी और दुर्लभ चीजों की। एक बार की बात है, अंजनी नाम का एक युवक था जिन्हें अनोखी और दुर्लभ चीजें बेहद पसंद थी, जिनका सपना था कि वो एक दिन उन सभी अनोखी और दुर्लभ चीजों को एक साथ एक ऐसी जगह पर लाएंगे जहां ये चीजें हमेशा के लिए रखी जा सकेंगी, ताकि दूसरे बच्चे और युवा उन्हें तब भी देख और सीख सके जब वो स्वयं बच्चे ना रहे। इससे कुछ ना खोना सुनिश्चित हो जाएगा। जब हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पता भी नहीं था, अंजनी को इस बात का अंदाजा था कि बदलते मौसम के कारण हम एक दिन कई चीजें खो देंगे। अंजनी वो बात जानते थे जो अन्य युवाओं को नहीं पता थी। वो जानते थे कि जहां वो रहते हैं वो जगह अपनी पहचान भूल चुकी थी। बहुत समय पहले जब हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था, तब बिहार उद्यमियों का देश था। शिक्षा, नए विचार, कला और संस्कृति का केंद्र था। फिर एक दिन ये सब बदल गया। अंजनी ने अपने दादा दादी से कई किस्से सुने थे कि पहले चीजें कैसे हुआ करती थी। जो लोग उन्हें बेहद पसंद थे उनकी इन्हीं बातों ने उन्हें कहानियों से प्यार करना सिखाया। अपनी आंखें बंद करके जब वो ये सुनते, उन्हें लगता कि कहानियाँ उन चीजों को कभी खोने नहीं देती। अंजनी की खोई हुई चीजों के लिए एक जगह बनाने के सपने की इस कहानी में एक पड़ाव आया। उन्होंने IAS की परीक्षा दी जिसमें वो सफल रहे और 35 वर्षों तक बिहार सरकार के लिए काम किया। अंजनी अब भी कहानियों की ताकत और जहां पर बच्चों को इस बात पर यकीन दिलाया जा सके उस जगह के बारे में सोचते थे। लेकिन व्यस्तता के कारण सपनों के लिए तो दूर, उनके पास सोने के लिए भी वक्त नहीं था। जब वो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने, तब भी उन्होंने लाखों बच्चों के लिए सीखने के अनोखे तरीके निकाले। अंजनी की शादी भूगोल की प्रोफेसर पूर्णिमा से हुई, जिन्हें बागवानी और कला से बहुत लगाव था, इसलिए वो हमेशा जरूरतमंद चित्रकारों की मदद करती रहती थी ताकि वे चित्र बना सके जिनसे अब उनका पूरा घर सजा है। जब अंजनी बिहार सरकार के मुख्य सचिव बने, तब उन्हें कई जगह की यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी ही एक कार्य यात्रा के दौरान जब उन्होंने अनोखे और दुर्लभ पौधों की प्रजातियां देखी जो जल्द ही विलुप्त हो जाएंगी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बीता कल और वर्तमान साथ आ गए हों। उस दिन
वो पहली बार ये दुर्लभ पौधे पूर्णिमा के बगीचे के लिए ले आए। लेकिन जब ये पौधे यहाँ पनप गए तो वे और भी पौधे लाते ही गए। आज उनके पास 1000 प्रजातियों के 1,00,000 से भी अधिक दुर्लभ और अनोखे पौधे हैं। अब वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, पर घर में एक उद्यमी है। उन्होंने अपने इस कौशल का उपयोग करके कभी हार न मानने, हमेशा नई चीजों को आजमाने और अन्य उद्यमियों को जोखिम उठाने के लिए जरूरी विश्वास दिलाने के लिए किया। अंजनी ऐसा मानते हैं कि एक उद्यमी होने के लिए जरूरी कौशल उन्हें उनके हरे भरे बगीचे ने सिखाए, जैसे धैर्य, सहानुभूति, प्रबंधन, प्यार और सहयोग के साथ विश्वास, जो किसी भी चीज को बदल सकता है, यहाँ तक कि शहर में जंगल भी उगा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अंजनी की ना खोई चीजों की जगह कहाँ है, जहाँ हर कोई जा सकता है? स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण बिहार संग्रहालय। वहाँ बच्चों के लिए एक विशेष स्थान है, जहाँ वे घूमते हुए बिहार की कहानियों को न सिर्फ देख बल्कि महसूस कर सकते हैं। अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो सपने भी सच होते हैं, और इन्हें देखने वाले उद्यमी भी वास्तविक होते हैं। हमें बताया गया है कि यदि आप किसी भी दिन बिहार संग्रहालय जाते हैं तो शायद आप अंजनी से मिल सकते हैं। कहाँ? बच्चों की प्रदर्शन गैलरी में। और कहाँ? अंजनी's प्लेस ऑफ लव्ड थिंग्स फॉर एवरीवन। अंजनी की सबसे पसंदीदा चीजों की जगह का अभ्यास आप 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। आज हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। इस अभ्यास में हम इस समस्या के समाधान सीखेंगे। पहला भाग, आप पुस्तिका से सीखे कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे पेड़ उगाना, गीला और सूखा कचरा अलग करना आदि। इसके बाद घर या विद्यालय में अपना खुद का टेरेस गार्डन बनाएं। पुस्तिका से सीखे कि पुराने प्लास्टिक को कैसे गमले की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सब्जी, फल और बचे हुए खाने से खाद बनाएं। प्रक्रिया के चरण पढ़े और शुरू हो जाए। दूसरा भाग, अब पुस्तिका में दिए गए सवालों के माध्यम से निर्धारित करें कि आप कौन से पौधे उगाएंगे, उनकी प्रक्रिया, निर्देश आदि। इसके बाद अगले साल की योजना लिखें कि कैसे आप बतौर क्लाइमेट वॉरियर जलवायु परिवर्तन की समस्या सुलझाने में अपना योगदान देंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे कहानी के दोस्तों की तरह आप भी एक सफल उद्यमी बने, अपने परिवार और अपने समाज की समस्याएं सुलझाएं और खुशहाल जीवन जिए। वाह यार रोहन, अंजनी जी की कहानी ने तो मुझमें जोश ही भर दिया। हाँ यार, कभी ना हार मानने वाला जज्बा था अंजनी जी की कहानी में, और इनकी कहानी से जो एक कौशल मुझे लगता है कि हमें सबके साथ डिस्कस करना चाहिए वो है फियरलेस, यानी कि निर्भय होना, जिसका मतलब हमारे कौशल वाले विभाग में क्या लिखा है, रुकिए मैं बुक उठाता हूँ और आपको पढ़ के बताता हूँ। निर्भय, हिम्मत रखो कि भले ही किसी ने वो ना किया हो जो आप करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं करना चाहिए। हमें अपने इस समय के लिए नए समाधानों की आवश्यकता है, कोई और इसे करे हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। तो आज निडर होकर आप कौन सा काम करेंगे? हाँ रोहन, इतने साल गुजर जाने के बाद भी बिना डरे बिना घबराए उन्होंने अपना सपना पूरा किया, और आज बिहार में बच्चे और युवा उन्हीं की वजह से बिहार के संग्रहालय यानी बिहार म्यूजियम में जाकर बिहार की कहानियों को देख और महसूस कर सकते हैं। तो रोहन, इस कहानी पर निर्धारित हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी के लिए चलो अपनी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं। आज की एक्टिविटी को पूरा करते हुए आप जलवायु परिवर्तन के बारे में सीखेंगे कि आपके लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको घर या स्कूल में एक टेरेस गार्डन बनाना है, फिर वहाँ फल,
फूल उगाएं, खाद बनाएं और फिर एक्टिविटी बुक में दिए गए सभी चरणों का उत्तर भरें। जी, जैसे कि आपने कौन से बीज बोए, उन्हें उगने में कितना वक्त लगा, आपने उन्हें धूप बारिश आंधी से कैसे बचाया, क्या कभी आपने उनके लिए कोई गाना गाया या कभी उनको ये रेडियो सुनाया, कब आपके पेड़ पर पत्तियां आई, कब फूल आए, कब फल और सब्जियां आई। फिर इस पूरी प्रक्रिया का चित्र बनाएं। आपने अपने उगाए हुए फल सब्जी से क्या बनाया वो भी बताएं, और बतौर क्लाइमेट वॉरियर आपका अगले साल का प्लान क्या है वो भी हमें बताएं। और ये सब पूरा करके हमें अपना प्रोजेक्ट जरूर भेजें हमारे इस एड्रेस पर। यस, इस एड्रेस पर भेजें। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का फाइनल एंड लास्ट शो पूरा होता है। हमें आपके साथ बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया। फिर से आपसे जल्द मुलाकात होगी। और बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक्टिविटी बुक को कंप्लीट करते रहिए। बाय बाय। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की लास्ट कहानी? अब वक्त होता है उसी लास्ट कहानी पर बेस्ड हमारे आज के लास्ट क्विज का, और आपके पास मौका है उस क्विज के सही जवाब देकर हमारी ये किताब जीतने का जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको सभी सवालों के जवाब इस नंबर पर भेजने हैं या फिर आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर अपने जवाब दे देने हैं। तो चले शुरू करें फिर आज का क्विज, लेट्स गो फॉर इट। पहला सवाल, क्या आप संग्रहालय यानी म्यूजियम गए हैं? दूसरा सवाल, जैविक नर्सरी में क्या काम होता है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि जहां आप रहते हैं वहां आप एक जैविक नर्सरी शुरू कर सकते हैं? चौथा सवाल, कौन से कारण वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कोई अन्य उद्यमी है जिसके काम के बारे में आप जानना चाहते हैं और हमने इस शो में ना बताया हो? तो अब आपको अपने सारे जवाब हम तक पहुंचाने हैं। इसके लिए आपको जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पर सभी जवाबों को भेजना है, या फिर आप चाहो तो हमारी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लो और सारे जवाब हमको पहुंचा दो। तो सही जवाब देने पर पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं दिलचस्प किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाएं और कॉल करें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।